बिग बॉस सीजन 13 काफी ज्यादा डिमांड में चल रहा है और इसी को लेकर आज हम एक बड़ी अपडेट आप सभी के लिए लेकर आए हैं। नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं टीवी समाचार 24। बात करते हैं हम सभी से मालकिन अमीषा पटेल के बारे में। सोशल मीडिया पर अमीषा पटेल को लेकर काफी ज्यादा मीम्स बन रहे हैं, उनको काफी ज्यादा ट्रॉल किया जा रहा है। ट्रॉल किया जा रहा है अमीषा पटेल को, क्योंकि बिग बॉस की आवाज दर्शकों को सुनने को नहीं मिल रही है। बड़ी बात यह है कि पिछले सीजन्स में आपने नोटिस किया होगा कि बिग बॉस की आवाज के दीवाने फैंस बिग बॉस की ही आवाज सुनना चाहते हैं, ना कि कोई घर की मालकिन की। यानी कि अमीषा पटेल को घर में देखकर फैंस नाराज चल रहे हैं। फैंस नहीं चाहते कि घर की मालकिन बनकर अमीषा बार बार घर के अंदर आए, वो बिग बॉस की आवाज ही सुनना चाहते हैं। ये अभी तक चल रहा है अमीषा पटेल को लेकर जो भी मामला। लेकिन इन सबसे हटकर एक और खबर बीते दिनों सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल रही है। दरअसल जब घर की मालकिन को चुना जा रहा था, यानी कि इस बार बिग बॉस के घर की जो मालकिन बनने वाली थी वो कोई और नहीं बल्कि मलिका बनने वाली थी। जी हाँ, मलिका शरावत बन सकती थी बिग बॉस के घर की मालकिन। उनको ऑफर किया गया था अमीषा पटेल से पहले, वो पहली चॉइस थी। लेकिन खबर इस तरह की रही कि उन्होंने काफी ज्यादा हाई फीस की डिमांड की थी और जब बिग बॉस के मेकर्स ने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की मलिका से पेमेंट को लेकर, तो मलिका ने कोई भी बातचीत नहीं की मेकर्स से, कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पाया और फिर मलिका की जगह अमीषा पटेल को घर की मालकिन के रूप में चुना गया। खैर, आप क्या चाहते हैं, घर में कोई मालकिन या फिर कोई मालिक रहे ना रहे, या आप ये चाहते हैं कि बिग बॉस की आवाज ही सुनने को मिलती रहे, हमें नीचे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताएं। और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल टीवी समाचार 24 के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।